यमुनानगर जिले के साडौरा क्षेत्र के गांव रतौली में बड़ा हादसा हो गया, जहां मिट्टी की खुदाई के दौरान अचानक ढांग गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि दो बच्चों समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गाँव रतौली में ग्रामीण रमजान पर्व के अवसर पर अपने कच्चे घरों को लीपने के लिए चिकनी मिट्टी लेने गए थे। इस बीच खुदाई के दौरान मिट्टी का हिस्सा ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया। कुल आठ लोग मिट्टी के मलबे के नीचे ही दब गए, जिनकी चीख पुकार सुन आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल में भिजवाया, जहां दो लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 52 वर्षीय सतारा और 28 वर्षीय नसरीन के रूप में हुई है। और यहाँ गाँव खोदने लगी, ऊपर से डांग में पानी चेड़ा रही थी, बुग्गी मिले ऊपर से डांग गिर गई थी एकदम। अच्छा, वो एक लड़की थी यहाँ बाहर रहेगी, उसने चिंगाड़ा मारी, हम खेत माँ से भाग गए जी। अच्छा, तो आन का हम नाथ डलेटा है, डलेटा का फिर गोमा लान करा, फोन करा तो गोमा लान करवाया जी, फिर गाँव चढ़ गया यहाँ गाँव ने, फिर सारी किरड़ी मिट्टी काट दी। टोटल कितने लोग थे जी? आठ बंदे थे जी। टोटल आठ बंदे? हाँ जी। अच्छा, एक बंदा आदमी था और औरतें थी सारी। अच्छा, एक आदमी था बाकी औरतें थी। हाँ जी, दो तो बच्चे भी बता रहे हैं उसमें? दो बच्चे थे जी। अच्छा, एक लड़की एक लड़का था जी। अच्छा, हाँ जी। तो उनकी हालत कैसी है अब? उनकी बस दो तो अच्छा सीरियस है ज्यादा, हॉस्पिटल जगाधरी पहुँच गए जी। अच्छा अच्छा, दो पूरी है गई, दो लेडीज? हाँ, लेडीज पूरी है। तो यहाँ पे आज इन्फॉर्मेशन आई थी कि अपना मिट्टी का तोंदा गिरने से आठ लोग उसमें दब गए, जिसमें से दो आदमियों के, दो लेडीज की जो है डेथ हो गई है और बाकी छः इसके अलावा एक जगह जिनको यहाँ से रेफर कर दिया गया है। सर, हादसा हुआ कैसे था? क्या खुदाई कर रहे थे या क्या था? क्या मामला क्या था? किस चीज़ की खुदाई थी? इनके बताया जा रहा है जो ईद का त्यौहार चल रहा है जैसे, तो अपने घरों की साफ सफाई के लिए, लिपाई पुताई के लिए, मिट्टी लेने के लिए गई हुए थे लेडीज और बच्चे, तो वो अचानक नीचे से मिट्टी ज़्यादा निकाल ली गई, जिसके कारण वो ऊपर से मिट्टी नीचे सर गई। ग्रामीणों की मदद से बाकी को निकाला गया? हाँ, ग्रामीणों ने बुलाया वहाँ पे, क्योंकि पुलिस को जब तक इन्फॉर्मेशन आई तब तक तो अपना ग्रामीण निकाल लिया था, फिर हमारी पुलिस को पहुँची और उनको तो इसमें बच्चे बच्चे कितने हैं सर? इसमें बच्चे दो बच्चे हैं। सर, किस टाइम हुआ है पूरा? बता दें कि छह घायलों में दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिनका डॉक्टरों की देखरेख में अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।